नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में, जो कि 2017 से 2023 तक होंगी, और उनके वो कहाँ होंगी, उनके वेन्यू के बारे में, क्योंकि आने वाले समय में RRBs या IBPS या SSCs की परीक्षाएँ जो अभी चल भी रही है, SSC MTS की, इसके अलावा आगामी समय में जो भी SSC MTS की या स्टेट्स की बोर्ड्स की जितनी परीक्षाएं, उनमें से एक से दो या तीन क्वेश्चन निश्चित रूप से बन जाते हैं कि आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में बताइए या इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो उसी उन्हीं परीक्षाओं के मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आगामी खेल प्रतियोगिताओं की बात करें तो 32वें ओलंपिक खेल टोक्यो, जो जापान की राजधानी है, 2020 में आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले रियो डी जेनेरियो में 2016 में आयोजित किए गए। बात करें 23वें शीतकालीन ओलंपिक, इन्हें विंटर ओलंपिक्स भी कहते हैं, ये दक्षिण कोरिया में 2018 में आयोजित किए जाएंगे। बात करें 37वें राष्ट्रीय खेलों की, ये पहले छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाने थे, लेकिन ओलंपिक ने यहाँ से अपना यहाँ जो सिस्टम है, यहाँ से प्रसन्न ना होकर इसकी मेज़बानी किसी और राज्य को दे दी गई, और वो राज्य है गोवा। यानी कि अब गोवा में जो है नवंबर 2017 में ये खेल आयोजित होंगे। बात करें 38वें राष्ट्रीय खेल 2018 में, ये कोलकाता में आयोजित होंगे। 18वें एशियाई खेल जो होंगे वो इंडोनेशिया में आयोजित होंगे। इससे और 21वें राष्ट्रीय खेल ऑस्ट्रेलिया 2018 में आयोजित होंगे। 2014 में जो हुए थे वो ग्लासगो में हुए थे। इसके अलावा 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित करेंगे। जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, ये उन देशों में आयोजित किए जाते हैं या वो देश इसमें हिस्सा लेते हैं जो कि कभी ब्रिटिश शासन के अधीन थे। बात करें अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की, तो ये अभी भारत में होगा 2017 में, अगले माह ही से शुरू हो जाएगा, अक्टूबर माह में, और ये जो है वो कोलकाता में होगा, क्योंकि कोलकाता फुटबॉल के चाहतों के लिए एक प्रसिद्ध शहर है। वहाँ फुटबॉल के चाहने वाले ज़रूर बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इसे वर्ल्ड कप को वहीं कराने का फैसला किया गया है। बात करें 21वां फुटबॉल विश्व कप, जो कि रूस में होगा, और 2018 में रूस इसकी तैयारी में अभी से लग गया है। 22वां विश्व कप फुटबॉल का जो होगा वो कतर में होगा। बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होगा 2019 में होगा, 2015 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और ये इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड इसे कराएगा। 13वां विश्व कप जो कि भारत में होगा 2023 में, और ICC ने फैसला किया है कि अब हर तीसरा विश्व कप एशियाई धरती पर होगा, तो ये 2023 में भारत में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी जो कि अभी आयोजित की गई 2017 में इंग्लैंड में, जैसे कि पाकिस्तान ने जीता और भारत को इसमें फाइनल में हराया। बात करें एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप, जो कि अभी इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें कि इंग्लैंड ने भारत को हराया था फाइनल में। बात करें T20 महिला विश्व कप की, तो इसकी मेज़बानी वेस्ट इंडीज करेगा 2018 में। दोस्तों, बात करें पुरुष विश्व कप हॉकी, जो कि 2018 में मेज़बान बनेगा भारत, पूछा जा सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। वहीं महिला विश्व कप हॉकी, जो कि 2018 में आयोजित की जाएगी, लेकिन इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी, पुरुष भारत में और महिला इंग्लैंड में। बात करें फीफा महिला विश्व कप, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, ये फ्रांस में होगा 2019 में। बात करें अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप महिलाओं का जो होगा वो होगा फ्रांस में, वो भी 2018 में। 3रे युवा ओलंपिक खेल, जो कि 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई, जिसमें कि अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में बताया गया, और लगभग हर परीक्षा में इनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल जाता है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, जिससे कि आपको सारे जितने भी स्पोर्ट्स के अपकमिंग इवेंट हैं वो आपको याद हो जाए। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम लेटेस्ट जानकारी आप तक के लिए ला सकें। थैंक यू वेरी मच।